हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पाइथन के प्रिंट फंक्शन में। इस वीडियो में हम पाइथन में कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सेल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पाइथन का सेल ओपन कर लिया। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट सिंबल देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है, तो जस्ट मैंने टाइप किया प्रिंट टू। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की थी। आप ऐसा लिखते हैं तो आपके पास टू प्रिंट होकर आ जाएगा स्क्रीन पर। नाउ सपोज़ कीजिए मुझे दो नंबर्स ऐड करना है, तो पाइथन सेल बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह भी है। आप यहाँ कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे दो इंटीजर प्रिंट करना है, प्रिंट टू प्लस टू। तो आप प्रिंट टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर टू लिखेंगे, प्लस टू, पैरेंथेसिस क्लोज करते अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास रिजल्ट फोर आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर दो इंटीजर्स को प्रिंट किया, टू टू, मेरे पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आप कुछ भी प्रिंट ऐड कर सकते हैं। सपोज़ 10,000 प्लस मुझे करना है, सपोज़ ये 500, तो मैंने प्रिंट 1,000 प्लस 500 लिखा तो आपके पास रिजल्ट तुरंत 1,500 आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आप इंटीजर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नाउ सपोज़ मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो मैं नाउ प्रिंट करता हूँ, मुझे सपोज़ ये 30 में से 15 सबट्रैक्ट करना है, तो 30 में से 15 सबट्रैक्ट करने के 30-15 लिखा, अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपके पास 15 रिजल्ट आ जाता है एंटर करते ही। ये हो गया एडिशन सबट्रैक्शन की बातें हो गई। इसके बाद सपोज कीजिए मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो सपोज कीजिए प्रिंट, सपोज कीजिए मुझे करना है 3 × 6। एक बात आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई के लिए आप यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करेंगे, ना कि क्रॉस का साइन। अगर आप अब एंटर दबाते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 18। तो आपने देखा आप कैसे प्रिंट कर, कैसे किसी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि इसका केस अलग है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। दो इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जो इंटीजर आ रहा है। नौ नेगेटिव नंबर्स की बात कर लेते हैं। प्रिंट सपोज कीजिए मुझे करना है -7 प्लस 5 करना है, तो आप ऐसा लिख कर अगर आप एंटर करते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -2। ये हो गया नेगेटिव नंबर्स की बात है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे करना है -3 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो आपका रिजल्ट आएगा -27। ये हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई। डिवीजन का केस अगर हम ट्राई करते हैं तो ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर जैसे अभी मैंने बात की कि अगर आप दो इंटीजर को प्रिंट ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर आएगा। बट इन केस ऑफ डिवीजन, अगर आप डिवाइड करते हैं दो नंबर को, सपोज़ कीजिए प्रिंट मुझे करना है 5 को 2 से डिवाइड करना है, 5 / 2 अगर हम करते हैं, पास में जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ना के एक फ्लोट आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 2.5 जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ये फ्लोट नंबर है। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आप मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास हमेशा इंटीजर आएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका फिर रिजल्ट जो आएगा वो एक फ्लोट नंबर होगा। फ्लोट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हो गया कुछ चीज़ें, अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो आपके पास एक एरर आएगी। सपोज़ ये 15/0 करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 division error। जैसा कि यहाँ पर आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, ये हमें बता रहा है 0 division error, 0 division error। तो आप किसी नंबर को जीरो से ना डिवाइड करें। अब हो गए, जैसा कि आपने, ये सिंगल स्लेस जो होता है ये हमें कहते हैं, हम इसे ट्रू डिवीजन कहते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे करना है प्रिंट 11 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, सिंगल स्लेस यानी ट्रू डिवीजन, हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो 1.1 आ जाएगा। बट अगर आपको एक नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए, जैसा कि हम कहते हैं कोशेंट चाहिए, तो कोशेंट निकालने के लिए हम डबल स्लेस का यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए अगर मैं 11/10 लिखता हूँ तो बस एक कोशेंट आ जाएगा। जैसे 11 को 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास कोशेंट क्या आता है, 1 आता है, सिर्फ तो आपके पास 1 आ जाएगा डबल स्लैश अगर आप यूज़ करते हैं। सिंगल स्लैश को हम ट्रू डिवीजन कहते हैं, डबल स्लैश को फ्लो डिवीजन कहते हैं पाइथन में। उसके बाद देखते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए प्रिंट करते हैं 3/4 करते हैं तो आपके पास एक फ्लोट वैल्यू आएगी, 0.75 आ गई। सिमिलरली अगर आप कोई टू परफेक्ट इंटीजर्स है, जैसे 8/2 करते हैं, तब भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट नंबर ही आएगी, जैसा कि आपने देखा 4.0 आया। तो डिवीजन में हमेशा हमें फ्लोट नंबर मिलता है अगर हम सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं।
वहीं पर अगर आप इसी को डिवाइड करने के लिए अगर आप डबल स्लाइस का यूज़ कर लें, सपोज ये डबल स्लाइस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आएगा 4, जो कि एक होल नंबर यानी इंटीजर है। तो ये हो गई कुछ फ्लोट्स और इंटीजर्स की बातें। अब आप ध्यान रखिए कि एक फ्लोट और एक इंटीजर अलग अलग तरह से ऐड और डिवाइड होते हैं। सपोज ये मैं प्रिंट करता हूँ 4.0 प्लस 5 करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो एक इंटीजर होगा, तो इनका एडिशन ही, बट ये इंटीजर ना के मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक फ्लोट नंबर मिलेगा। तो जैसा कि मैंने 4 में 5 ऐड किया, यहाँ 4 एक फ्लोट नंबर है यानी 4.0, 5 एक इंटीजर है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो है 9.0। तो ये फ्लोट्स का एडिशन हो गया, फ्लोट्स और इंटीजर का एडिशन हो गया। अब दो फ्लोट्स को भी ऐड कर सकते हैं, 35.5 प्लस 49.0। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपके पास एक फ्लोट वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप फ्लोट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 35.6 माइनस 22.11, पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपना सेल थोड़ा क्लियर कर लिया था क्योंकि वो फुल हो गया था। इसके बाद हमने देखा कि आप फ्लोट्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्लोट को आप मल्टीप्लाई भी सेम तरीके से करेंगे, प्रिंट 4.0 इंटू, अगर आप सॉरी प्रिंट 4.0 मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 35 करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक फ्लोट नंबर होगा। तो ये हो गए फ्लोट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आपने दोनों देखा कि दोनों केसेस नियरली सेम होते हैं इंटीजर्स और फ्लोट्स के, बट अगर आपका दो में से कोई एक नंबर अगर फ्लोट है तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो भी एक फ्लोट होगी। तो सपोज ये मुझे अब तीन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो सपोज ये 15 प्लस 42 प्लस 35 करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का सम होगा। सिमिलरली फ्लोट्स में अगर आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.0 सॉरी यहाँ डबल आ रहे हैं मेरे पास प्रिंट 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 35.6। तो आप चाहे जितने नंबर आप यूज़ कर सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, आप बस इतना ध्यान रखिए फ्लोट्स और इंटीजर से पहले आप क्यूट्स नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ सेंटेंसेस को ही यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हो गई। अब एक केस, एक फाइनल केस और देख लीजिए आप इसका, जैसे सपोज कि 1 प्लस 2 सॉरी प्लस 3 प्लस 4.0 प्लस 5.0, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आपको पता है कि अब तक पता चल गया होगा फ्लोट आएगी, सबका सम एक फ्लोट वैल्यू आएगी। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें नॉर्मल यानी फर्स्ट अरिथमेटिक पार्ट है ये हमारा। दूसरे पार्ट में हम कुछ और ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों आपको इतना समझ में हो गया आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।